रूसी खाम तेल से लदा जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। रूसी खाम तेल से लदा बहरी जहाज क्लाइड नोबल कराची पोर्ट आ गया है और जहाज बंदरगाह के साथ लंगर अंदाज हो चुका है। जहाज की बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल पेयर पर लगाया जाएगा। इससे कबल 11 जून को पहला रूसी खाम तेल ब्रादर जहाज कराची बंदरगाह पहुंचा। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज पेवर पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन तेल लदा था और समंदरी तूफान से कबल जहाज कराची पहुंचने में कामयाब हुआ। इस हवाले से वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि रूस से तेल की फराहमी तसलसल के साथ शुरू हो जाएगी तो कीमतों में फर्क आएगा। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि हम अपनी ज़रूरत का एक तिहाई खाम तेल रूस से लेना शुरू हो जाएंगे तो कीमतों में बड़ा फ़र्क आएगा और इसका असर लोगों की जेब तक पहुंचेगा। हमारा हदफ है कि एक तिहाई खाम तेल रियायती कीमत पर रूस से आए। जब हम अपना हदफ हासिल कर लेंगे तो तेल रियायती कीमत पर होगा। असल कीमत इस वक्त नहीं बता सकता, तहम इसका बहुत बड़ा फ़र्क आएगा और असर लोगों की जेब तक पहुँचेगा।